आप उनके एडवाइजर को यहाँ बुलाए, हमें एश्योरेंस दे। हम हमारी एडवाइजर यहाँ आए, हमें एश्योरेंस दे, हमें एश्योरेंस दे काम उठेंगे। एडवाइजर यहाँ आएगा, हम यहाँ पर बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन जो गुजर लीडर्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये जो पुल इन्होंने ब्लॉक किया है जम्मू तवी का, वो खोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हमारा एडवाइजर यहाँ आएगा तो हम उठेंगे, ये हमारा तय है। हमारी मांग वही है जो आज से 1.5 साल पहले मांग की थी कि भारत सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया गया है उसका जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आपको हमने पहले भी 2 दिन पहले आगाह किया था कि हम अपने भेड़ बकरी और मवेशियों को साथ लेके आएंगे। आज हम आपको अपने भेड़ बकरी और मवेशी दिखा रहे हैं। अभी ये एक बात जरूर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारी एक फैमिली के माल मवेशी बाहर आए। अगर 35 लाख सारों के सारे माल मवेशी बाहर आ गए ना, तो कोई एक नहीं बचेगा हमें रोकने के लिए। आज मैं मीडिया के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ भारत सरकार के होम मिनिस्टर साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, ये वही कौम है जिसने कबाइलियों को रोका था, ये वही कौम है जो आज CRP के अंदर सबसे ज्यादा सर्व कर रही है, ये वही कौम है जिन्होंने मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन सर्पवलेश किया था। आप लोगों को याद होगा, हम वही कौम है। आज हमें मजबूर मत किया जाए कि हम रेबेलियन बनके रोडों पे उतरे। हमें ये हमारी रिक्वेस्ट है कि उस स्टेप उस बिल को जल्द से जल्द, मुझे बात, मैं आपकी बात मानता हूँ। अमित शाह साहब ने बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां आएंगी, क्या आएगी? अमित शाह साहब ने बोला था कि हम जम्मू को बहुत बड़ा डेवलप करेंगे, क्या बन गया? अमित शाह साहब ने बोला था कि कोटा इन कोटा नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोटा इन कोटा का तो कोई प्रोविजन ही नहीं एक्सिस्ट करता। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूं या अमित शाह साहब की बात मानूं? क्योंकि अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो स्टेप डाउन कर देना है, तब तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ेगी। धन्यवाद। अभी फिलहाल हमारी ये मांग है, हमने पुल भी इसलिए ब्लॉक किया हुआ है कि हमें मनोज सिन्हा साहब तक हमने पहुंचना है। अगर हमें नहीं पहुंचा दिया जाता, ये कहा जाता है कि मनोज सिन्हा साहब यहाँ नहीं है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनके एडवाइजर यहाँ हैं, वो हमें आए यहाँ पे एश्योरेंस दें कि हमारे ग्रीवांस को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाएगा। हम नहीं रुकने वाले, ये आगाह कर देना चाहते हैं। आप लोगों का एक क्ल्यू दिखा रहा है, 2 दिन के अंदर पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। हम ये मात यात्रा को वहां से स्टार्ट करेंगे और पूरा लखनपुर तक लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। हम रुकने वालों में से नहीं है, हम नेशनलिस्ट कौम है। नेशनलिस्ट हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप, मैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भारत सरकार के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है, मेरी यही अपील है कि उसको जल्द से जल्द स्टेक डाउन किया जाए। धन्यवाद। साफ तौर पर कहना कि ये जो स्टेप लिया गया, ये जो बिल पास किया गया, इसे वापस लिया जाए। लेकिन अब जम्मू तवी का जो पुल इन्होंने फिलहाल ब्लॉक कर रखा है, उसकी वजह से काफी दिक्कतें जो है वो लोगों को आ रही हैं। इस समय ट्रैफिक इस पुल पर पूरा रोक दिया गया है। बाहू फोर्ट के ठीक सामने का ये ब्रिज है। हालांकि पुलिस का अमला जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। ये देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन अभी क्योंकि प्रदर्शन आगे चल रहा है, तो ऐसे में ये लोग हटने को तैयार नहीं है। तो स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण होती जरूर दिख रही है। इनका यही कहना है कि अगर LG मनोज सिन्हा जम्मू में मौजूद नहीं है, तो उनके एडवाइजर को मौके पर बुलाया जाए, अन्यथा ये अपनी भेड़ बकरियां लेकर जो है वो राजभवन जाएंगे और वहां LG मनोज सिन्हा से बात करेंगे। फिलहाल ये सड़कों पर ही बैठे हुए हैं और सड़क मार्ग खाली नहीं कर रहे हैं। पीछे देखिए ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है और इनका यही कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पूर्व जो बातें कही वो भी पूरी नहीं हुई, और अब जो उनका ये कहना है कि इनका गुजर बकरवालों का जो ST का दर्जा है और जो इनका शेयर है वो महफूज रहेगा, तो उस पर भी इन्हें भरोसा नहीं है। और ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे बिल को ही रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। देखिए और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक एडवाइजर LG मनोज सिन्हा का यहाँ पर नहीं आएगा बातचीत करने के लिए।